हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सपना मेक ओवर। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ, जो कि एक सिंपल सा ही मेकअप लुक होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने पॉन्ड्स का प्राइमर जेल मॉइस्चराइजर अप्लाई किया था। इसके बाद मैंने सेंसिबिलिटी का प्राइमर अप्लाई किया है, उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो मेरा यहाँ पर कैमरा जो कि है रोटेट हो गया था, तो इसलिए पता नहीं आप वीडियो उल्टी लग रही है, बट अभी सीधी हो जाएगी। इसके बाद मैंने मार्स का फाउंडेशन अप्लाई किया है, देन कंसीलर अप्लाई करेंगे। अपने जिस पॉइंट को हाईलाइट करना है उसको वहाँ पे कंसीलर अप्लाई करना। अब कैमरा सीधा हो चुका है, हमने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेना उसी ब्लेंडर की हेल्प से। तो उसके बाद मैंने होटा ब्यूटी का लिक्विड ब्लश अप्लाई कर रही हूँ मैं, देन इसे भी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। इजीली ब्लेंड हो जाता है, लिक्विड ब्लश की एक बात अच्छी होती है कि वो इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। नाउ इसके बाद मैं मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप, मैंने जितना भी मेकअप किया इसे सेट कर लूँगी। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लैपटॉप करके मेकअप फिक्सर को उठा लूँगी। इसके बाद जेल आईब्रो, मैंने जेल आईब्रो यूज़ करके अपनी आईब्रो को डिफाइन करेंगे। आईब्रो डिफाइन हो चुके हैं, इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ। फिर फेस पे कॉम्पैक्ट को अप्लाई कर लेंगे। नाउ हम कोई भी टू शेड को मिक्स करेंगे एंड उसे अपने आईलाइनर पे अप्लाई करेंगे। फुल आईलाइनर पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। देन अप्लाई करने के बाद मैंने ब्राउन शेड लिया, उसे अपने आईज के इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे, आउटर कॉर्नर पे सॉरी। हल्के हल्के ब्लेंड करेंगे क्योंकि स्मोकी आईज नहीं है। वैसे एक नया टेक्सचर देने के लिए ब्राउन शेड उठाया था मैंने। इसके बाद वाइट शिमर शेड लेंगे और उसे अपने आईज के सेंटर मिडल पार्ट पे अप्लाई कर लेंगे। फिंगर की हेल्प से अच्छे से अप्लाई हो जाता है। नाउ आप देख सकते हैं आईज मेकअप कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आईलाइनर अप्लाई करूंगी और उसे अप्लाई करूंगी बिल्कुल पतला अप्लाई करूंगी, मोटा नहीं, थिक नहीं रखे हम। आईलाइनर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद मस्कारा, मैंने फॉल्स लैशेज नहीं अप्लाई की है, ओनली मस्कारा। उसके बाद लोअर लैश लाइन पे ग्रीन कलर स्मेंट कर लूंगी अपने लोअर लैश लाइन पे। और इसके बाद मस्कारा अप्लाई कर लिया था एंड काजल मैंने अप्लाई नहीं किया, विंडो आउट काजल मेकअप लुक है। देन आउटलाइन करेंगे अपने लिप्स को, अच्छे से लिप्स को आउटलाइन कर लेंगे ब्राउन शेड लिप लाइनर। देन लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, मैंने लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई की है ब्रश की हेल्प से। ब्रश की हेल्प से लिपस्टिक काफ़ी अच्छी अप्लाई हो जाती है, मैनेज कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरा मेकअप लुक कितना अच्छा फ्लॉलेस बेस बना है। देन हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे अपने फुल फेस पे अच्छे से, और इनर कॉर्नर पे हम शिमर अप्लाई करेंगे आईज के, जिससे कि जो हमारे आंखें वो हाईलाइट हों। नाउ माय फाइनल लुक कैसी लगी आपको कमेंट में बताना। देन इसके बाद आपको कौन सा लुक देखना वो भी बताना, मैं आपके लिए मेकअप लुक लेके आऊँगी। तो आप देख सकते हो कितना फ्लॉलेस मेकअप हुआ है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईजी हो गया, जल्दी हो गया, काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट।